बड़ी धारा होती है बेटा, वो बहुत बड़ी धारा होती है, हत्या ही है वो। वजह से दूसरों को परेशानी, पूरी बात समझो, हमारी बात समझो, हमारी सुनो, पूरी बात समझो, पूरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पूरी बात मेरी सुनो। अब देखो आप उसको करवाओ, कार्रवाई ये करेंगे, 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ के लाएंगे। हमारे पिताजी अगर नौकरी खत्म हो जाए न्याय होगा। देखो ये लड़ाई झगड़े में बहुत हो गई है। ये लड़ाई राजा राम और उसके घर वालों ने मखलू के घर में आके और झगड़ा कर दिया, उसी के कारण उसके चोटें आई हैं। चोटें आने के कारण उसका लड़कों को भी मार रहा है, उसको मारा उसके घर में घुस के, इसके कारण मखलू की अस्पताल में मौत हो गई है। कब की घटना है ये? घटना 5 तारीख की रात की है। परिजनों ने जाम लगाया उसकी अस्पताल में, कल मौत हो गई है। इसके बाद वो पता है दिए थे, तो उसमें अप्लीकेशन जो FIR कुछ धाराएं बढ़नी थी, तो वो FIR नहीं लिख के आई थी, इस कारण परिजनों ने जाम लगाया था, जिसमें धाराओं की मांग कर रहे थे 304, 302, 307 की। दोनों पक्षों में शराब को पी करके जो है मामूली विवाद हुआ और उसमें झगड़ा हुआ, आपस में मारपीट हुई थी, और उसमें जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, और जिला अस्पताल से उन्हें कानपुर भेजा गया था, जहाँ पर उनकी चोटों की वजह से मौत हो गई। इसमें जो है अभियोग जो पंजीकृत कर लिया गया है, और इसमें जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें परिजनों ने गिरफ्तारी की डिमांड को लेकर के कुछ देर को लिए जाम लगाया था, उनको समझा बुझा करके जाम को हटवा दिया गया है, और गठबाड़ी जो है उसका डिस्पोजल के लिए भेजा गया है।